हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, फाइनली टीसीएस एनक्यूटी हायरिंग अनाउंस्ड। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स ने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा कि टीसीएस की एनक्यूटी हायरिंग अनाउंस हो चुकी है, एंड इस हायरिंग के अंदर हर एक स्टूडेंट एलिजिबल होगा, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिक ब्रांच से हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, कोई मैटर नहीं करेगा। इस हायरिंग में हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, एंड इनकी टेस्ट डेट आप लोग देख सकते हो 26th Feb 2025 को इनकी टेस्ट डेट रहने वाला है। इनका टेस्ट रहने वाला है अप्लाई बिफोर 13th Feb 2025। ठीक है, 13th Feb से पहले पहले आप लोगों को इस हायरिंग में, इस टीसीएस एनक्यूटी हायरिंग में अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेलिंग के बारे में बात होने वाली है। क्या भैया ये टीसीएस एनक्यूटी पेड है या फ्री है, कौन सा रहने वाला है, एंड अगर पेड है तो हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, एंड अगर फ्री नहीं है तो फ्री हायरिंग कब तक आएगी। टीसीएस फ्री एनक्यूटी काफी स्टूडेंट्स का डाउट है कि भैया कब तक आएगी। सो आज के इस वीडियो में सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं, एंड इस हायरिंग को मिस मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, एंड जितने स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो अभी के अभी वीडियो स्टॉप करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल की हेल्प से काफी स्टूडेंट्स की ऑलरेडी प्लेसमेंट हुई है। अब बारी आप सभी स्टूडेंट्स की है, ठीक है। सो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, TCS NQT National Qualifier Test, One Test, Thousand of Jobs in TCS, GEO, TVS, Asian Paints and More. TCS की मास हायरिंग रहने वाली है, एंड टेस्ट डेट 26 फेब, 13 फेब्रवरी से पहले आप लोग को अप्लाई करना है, जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है। अब बात करते हैं कि भैया ये पेड है फ्री है। सो ये TCS पेड NQT रहने वाला है। अब पेड NQT में अप्लाई करना है या नहीं करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो मैं आप लोग को बिल्कुल रियलिटी बताने वाला हूँ। कोई इन्फ्लुएंसर आपको बोलेगा कि अप्लाई कर सकते हो, कोई दीदी भैया आपको बोलेंगे कि नहीं अप्लाई मत करना, मैं आप लोग को बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको अप्लाई करना है या आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज इनकी अनाउंस हो चुकी है, सारी इन्होंने टेस्ट डेट एंड एप्लीकेशन इन्होंने बता दी है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात यह है कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, भैया ये अच्छे तरीके से बता दो। तो मैं आप लोग को बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा, उसके बाद डिसीजन आप लोग का होगा। मैं किसी को डिसीजन नहीं दूंगा कि यार आप लोग अप्लाई करो या आप लोग मत अप्लाई करो, सिर्फ मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। देखो जो इनका टीसीएस पेड एनक्यूटी होता है उसमें से बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आप लोग को इंटरव्यू कॉल्स आएगी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि इंटरव्यू कॉल्स आनी है। बट इन द केस ऑफ फ्री एनक्यूटी वहां पे आप लोग की बहुत सारी इंटरव्यू कॉल्स आएगी, एंड बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं तो फिर भैया टीसीएस पेड एनक्यूटी हम क्यों ले। यार देखो आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस टॉप नॉच लेवल ले जानी है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रिपेयर रहना है टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी कुछ मंथ्स बाद फ्री एनक्यूटी भी आ जाएगा। सो अगर आपको फ्री एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर होना है तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ले सकते हो। अभी मैं इनकी सारी डिटेलिंग दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो हु कैन अप्लाई, प्री फाइनल और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्ट्रीम और डिग्री, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी डिग्री से हो, मैटर नहीं करता, आप अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट पासिंग बिटवीन 2020 से लेके 2026 के स्टूडेंट्स आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, एंड जितने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अप्लाई कर लेना। क्यों अप्लाई कर लेना, आपको एक बार पैटर्न पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे इनका टीसीएस पेड एनक्यूटी रहता है, सो आप अपने फ्री एनक्यूटी के उसके हिसाब से प्रिपेयर हो जाओगे। बट जितने भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, 2025 वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का डिसीजन आप लोग के ऊपर है, क्योंकि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2025 बैच के, आप सभी स्टूडेंट इसलिए अप्लाई कर रहे होंगे कि हमें जॉब मिल जाएगी। बट टीसीएस पेड में से, जो टीसीएस पेड एनक्यूटी है, यहां से आप लोग को इंटरव्यू कॉल आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को फेयरली चीजें बता देता हूं, अब आप लोग के ऊपर है, अगर आपको प्रिपरेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट जॉब के परस्पेक्टिव से आप अप्लाई मत करना कि हमें यहाँ से जॉब लग जाएगी। जॉब लगती है बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। ठीक है, स्टूडेंट पासिंग बिटवीन 2020 to 2026, ये आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया। वर्किंग प्रोफेशनल विद अप टू 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, देखो यार इनको तो अपना पैसा जनरेट करना है, तो हर एक स्टूडेंट्स को कहेंगे, हर एक बैचेस को कहेंगे, हर एक स्ट्रीम से कहेंगे कि अप्लाई कर लो, क्योंकि इनका तो पैसा जनरेट होगा, मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ, एंड तभी इन्होंने प्रोफेशनल्स भी ऐड किए। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाके गेट स्टार्टेड पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे जाओगे सो यहाँ पे आपको इनके पैकेजेस मिल जाएंगे, टीसीएस आयोन एनक्यूटी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव विद प्रीपैक, टीसीएस आयोन एनक्यूटी आईटी। ठीक है,
अब यहाँ पे इसमें क्या आपका बेनिफिट होने वाला है, 600 रुपीज की अमाउंट रहने वाली है, बहुत एक बढ़िया अमाउंट नहीं है। आप लोग अपनी लर्निंग्स के लिए सीख सकते हो, आप कॉलेज में भी इतना अच्छा खासा पैसा पे कर रहे हो, सो आप अपनी लर्निंग्स के लिए सीख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 30+ आवर्स ऑफ फ्री लर्निंग कोर्स ऑन बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर। अब ये प्रिपरेशन आप फ्री एनक्यूटी के लिए कर सकते हो, क्योंकि फ्री एनक्यूटी के अंदर हर एक स्टूडेंट अप्लाई करने वाला है। वहां पे आप लोगों की काफी स्टूडेंट्स की मास हायरिंग होने वाली है, काफी स्टूडेंट्स प्लेस होने वाले हैं टीसीएस फ्री एनक्यूटी से, ठीक है। सो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 1 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट टू चेक योर प्रिपेयरनेस बिफोर द एक्चुअल टेस्ट। एक्चुअल टेस्ट से पहले आपको एक फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, उसके बाद फ्री साइकोमेट्रिक टेस्ट टू एक्सेस योर वर्क प्लेस रिलेटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर। तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, प्रिपेयर होना है, तो आप ले सकते हो। अगर आपको प्रिपेयर नहीं होना है, आप सिर्फ जॉब के कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हो, सो आप वेट करो टीसीएस फ्री एनक्यूटी का, उसके अंदर अप्लाई करना। एंड इस चैनल पे आप लोग को पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी टीसीएस फ्री एनक्यूटी की, बहुत जल्दी। जैसे ही आपका टीसीएस फ्री एनक्यूटी की डेट अनाउंस हो जाएगी, ठीक है, हायरिंग अनाउंस हो जाएगी, ऐसे ही आपके भैया आप लोग के लिए पूरी की पूरी सीरीज निकाल देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, सो आपके सेक्शन में, होम सेक्शन में आपको तुरंत के तुरंत वीडियो मिल जाएगी, एंड तुरंत के तुरंत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके साथ बहुत सारी पार्टनर कंपनीज जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीएस की, टीसीएस इलेक्सी, ठीक है। आप लोग बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर सिस्टेंट, जो काफी अच्छी कंपनीज है, तो बहुत सारी कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड सारी चीजें मैंने आपको डिटेलिंग में बता दी है। अब बात करते हैं कि भैया टीसीएस फ्री एनक्यूटी कब तक आएगा। अब टीसीएस फ्री एनक्यूटी की अगर आपको कोई भी यूट्यूब पे या कोई भी बोल रहा है कि इस डेट को आएगी, इस मंथ में आएगी, सो अभी किसी के पास भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन होगी कहाँ से, अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट टीसीएस की तरफ से नहीं आई है। सो अभी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करके चलो कि अगले मंथ आएगी, उससे अगले मंथ आएगी। जैसे ही हायरिंग आएगी, जैसे ही हायरिंग अनाउंस्ड होगी, आपके भैया आपके लिए तुरंत के तुरंत वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स तक पता चल जाए कि टीसीएस फ्री एनक्यूटी हायरिंग अनाउंस हो चुकी है, एंड तुरंत के तुरंत अप्लाई कर लेना, तुरंत के तुरंत रजिस्टर कर लेना, क्योंकि टीसीएस बहुत ज्यादा मास हायरिंग लेती है 2024 के अंदर भी। जो 2024 बैच के स्टूडेंट्स थे, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा उसमें क्या हुआ था, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली बता देता हूँ। वहां पे 2024 बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि प्लेसमेंट कंडीशन क्या थी, प्लेसमेंट कंडीशन बहुत बेकार थी, बट लास्ट में टीसीएस आई, टीसीएस फ्री एनक्यूटी आई, एंड जितने भी टायर 3 कॉलेजेस हैं इनकी इतनी प्लेसमेंट्स अप गई, क्योंकि टीसीएस ने 200+ स्टूडेंट्स प्लेस कर ली हर एक कॉलेज से। अब किसी कॉलेज में ज्यादा हो सकते हैं, किसी कॉलेज में कम हो सकते हैं, बट काफी स्टूडेंट्स भर भर के टीसीएस ने प्लेस किया टीसीएस फ्री एनक्यूटी ने, ठीक है। सो आप स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे लेवल पे आपको प्रिपेयर होना है टीसीएस फ्री एनक्यूटी के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत इजीली इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, अगर अपना असेसमेंट अच्छी तरीके से दे दोगे, कोडिंग क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लोगे, एंड इंटरव्यू में सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। सो होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, जितने भी आपके डाउट थे क्लियर हो चुके होंगे, एंड इस हायरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका मन हो, जैसे आप डिसाइड करना है आपको, मैंने आपको कंडीशन बता दी है, मैंने रियलिटी बता दिया है। अगर आपका डिसीजन होता है कि आपको अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी स्टूडेंट्स को करना ही करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।